कैसे हो पब्लिक, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम यहाँ पे आगे के टॉपिक को केमिस्ट्री में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी तक गाइज हम लोगों ने बहुत कुछ इस टॉपिक में पढ़ा और बहुत कुछ हमने जाना, हमने बहुत कुछ इस टॉपिक में समझा। फॉर एग्जाम्पल लाइक वट इज एग्जैक्टली केमिस्ट्री, वट इज मैटर, वट आर द नेचर ऑफ केमिस्ट्री। देन आफ्टर दैट वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट वट इज द मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, दैट इज प्योर सब्सटेंस, वट इज मिक्सचर, वट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर, वट इज होमोजीनस मिक्सचर एग्जैक्टली, वट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स एंड वट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड एंड द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल इन ऑल हमने सब कुछ यहाँ पे स्टडी की, लाइक मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स वगैरह वगैरह। फिर हमने देखा गाइस कि एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, जिसके अंदर डेफिनेट प्रपोर्शन होता है एंड हमारे जो केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम इनसाइड द प्योर सब्सटेंसेस, तो ये सब कुछ हमने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एलिमेंट्स, उसके टाइप्स वगैरह, फिर कंपाउंड्स के बारे में, फिर व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के टाइप्स, दैट इज होमोजीनस हेटरोजीनस। वी ऑलरेडी स्टडी ईच एंड एवरीथिंग इसके पहले वाले वीडियो में। अगर माई डियर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई की बटन आ रही होगी, वहां पे क्लिक करके आप लोग पहला वाला वीडियो प्लीज जाके देख सकते हो, बिकॉज वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, जो कि आज हमारा यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो गाइस इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने इसके पहले जो जो भी सब कुछ पढ़ा था मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि ये टॉपिक हमने कवर किया था। अब वीडियोस बन रही हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, सो इसको हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मैं वापस से उस पूरे वीडियो लेक्चर को सेकंड में समझाऊं, तो ऐसे में फिर तो वही वीडियो फिर से एक और बन जाएगा तो फायदा क्या है फिर वो वीडियो बना के, ठीक है। सो इससे अच्छा कि मैं वही कराते रहूं, तो इसीलिए ऊपर आई की बटन आपको दिखी रही होगी तो आपको वहां पे जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करते हैं एग्जैक्टली, तो बात आप यहाँ पे समझते हैं कि दो टाइप होती है प्रॉपर्टीज के यहाँ पे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझेंगे एग्जैक्टली, सीधे टू द पॉइंट पे आते हैं कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली होती क्या है। आपने सुना होगा ना ऑलरेडी नाइन्थ में टेंथ में कि इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसकी ये केमिकल प्रॉपर्टी है, बट आपको किसी ने मीनिंग नहीं बताया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो अभी हम ये जानते हैं कि एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है एंड द केमिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। अब यहां पे हम समझते हैं कि जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब जानते हो क्या है, किसी भी सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बिना उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड कलर ऑफ द सब्सटेंसेस। अब इसका कलर व्हाइट है ये छोटा सा बच्चा भी बता देगा, तुम भी बता दोगे, समझा कि नहीं समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ भाग रहे हो पेन, ठीक है। तो इसका कलर व्हाइट है, ये कपड़े का कलर कौन सा है, लाल दिख रहा है, अगर लाल दिख रहा है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है ठीक है, तो जाके एक बार डॉक्टर से चेक करवा लो। तो ये है भाई नीला कलर, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, आपने बिना कुछ केमिकल चेंज किए पता कर लिया ना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे ही अगर समझ लो मेरे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो आप मुझे जब टच करोगे तब मालूम पड़ेगा, मैं टच करता हूँ तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरे बॉडी का टेम्परेचर हर जगह सेम है, तो पता ही नहीं चलता कि मेरे को कितना टेम्परेचर है ठीक है। अब अगर मान लो इधर भी 30 डिग्री सेल्सियस है और इधर भी 30 डिग्री सेल्सियस, तो टच करूंगा तो पता ही नहीं चलेगा ना कि किधर 30 डिग्री सेल्सियस है, अगर ये हाथ ठंडा होगा ये गर्म होगा तो पता चलेगा कि हाँ ये गर्म है, लॉजिक समझा। हाँ, तो यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको पता करने के लिए, जिसको मेजर करने के लिए हमें किसी भी केमिकल चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी केमिकल कॉम्पोजिशन के सब्सटेंस में कोई चेंजिंग की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक कलर, ऑडोर या फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज वो चीज होती है जिसको मेजर या फिर ऑब्जर्व करने के लिए चेंज इन केमिकल और या फिर केमिकल कॉम्पोजिशन में हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी उसको पता करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें केमिकल जो मतलब चेंजेस होते हैं सब्सटेंसेस को बदलना पड़ता है, सब्सटेंसेस के स्टेट को बदलना पड़ता है, सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टियों को बदलना पड़ता है और देन हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको पता करना है कि मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज को पता करना है, जैसे कि अगर मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, तो हमको मैग्नीशियम को पहले बर्न करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमको मिल जाएगा MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमको इससे क्या पता चलेगा कि व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम, जब आप यहां पे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेता है, गेन करता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉन मेटल,
और वी ऑलरेडी स्टडीड इन दी क्लास 10th कि जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और मैग्नीशियम इज मेटल विच इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऑक्सीजन को। तो इससे ये पता चलता है कि मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन हियर एंड मैग्नीशियम इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वो हमारा कौन है? मेटल है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी हो गई ना यहाँ पे इस तरीके से। तो मैग्नीशियम हमारा यहाँ पे मेटल है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ये सब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, और ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रो निगेटिव है बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो यस, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाना पड़ा, तभी हमने पता किया ना कि कौन इलेक्ट्रॉन देता है कौन लेता है। भाई जब युद्ध भूमि में जाओगे तभी ना पता चलेगा कि कौन असली वॉरियर है। तो बस वही है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? दूर से युद्ध भूमि को टीवी में देखने का कि कौन लड़ाई कर रहा है, तो वो तो फिजिकली बाहर से देख लिया, उसमें कोई चेंज नहीं करना। जब खुद जाके जंग लड़ोगे तब समझ में आएगा, तो वो केमिकल है। मतलब कि केमिकल चेंजेस देखना है अगर आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको ऑब्जर्व करनी है तो रिएक्शन करवाना पड़ता है, केमिकल कंपोजिशन को चेंज करना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि हमने यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ किया। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक चीज और दिखा दूँ, मैग्नीशियम की जो वायर होती है, कभी पटाखे फोड़े हो? पटाखे होते तो जो पटाखे होते हैं ना, वो पटाखों को जलाओगे ना तो उसमें से देखो कुछ इस तरीके से धुआं निकलता है, देखा, शुरू जलती है शुरू, तो वही रहता है ना, वो ऐसे जलता है। तो बस ये हमारा केमिकल चेंजेस है, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज आपको आई होप गाइज अच्छे से समझ चुकी है, कोई डाउट नहीं है। सिंपल बात है, फिजिकल उसे कहते हैं जिसको ऑब्जर्व या मेजर करने के लिए केमिकल कॉम्पोजिशन में बदलाव नहीं करना पड़ता है, वो हमारा फिजिकल है। और केमिकल उसे कहते हैं जिसके अंदर ऑब्जर्व या उसको एनालाइज करने के लिए हमें केमिकल चेंजेस या केमिकल सब्सटेंसेस में बदलाव चेंजेस करने पड़ते हैं। तो दैट्स सो सिंपल, लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ये टॉपिक है। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को ऑलरेडी ये टॉपिक आता होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक बहुत ज्यादा प्रीसियस और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे आज कि हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली क्या और कैसे है, ठीक है? तो लेट्स बिगिन गाइज, आपको अब यहाँ पे मैं सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप प्रॉपर्टीज को मेजर करोगे, ठीक है? ठीक है, आप ये जान चुके हो कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कि फिजिकल में कोई चेंजेस नहीं करना और केमिकल में चेंजेस करना पड़ता है फॉर द मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। बट जब आप किसी को मेजर करोगे, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्व किया कि इसका वाइट कलर है और ये कुछ लंबा लंबा दिखता है, ये पेन आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया, बट अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे बताओ कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, मैंने आपसे पूछ लिया कि इसकी लेंथ कितनी है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन था उस ऑब्जर्वेशन को मेजरमेंट करना पड़ेगा ना उसका, कि कितना इसका मेजरमेंट है, तो ये सब कुछ पता करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, इन्हीं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट अभी हम देखेंगे। तो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव इन नेचर? तो मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी। तो ये सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी है? हाँ, मे बी ये 15 सेंटीमीटर का है तो ये किसकी क्वांटिटी हो गई, इस पेन की। समझा कि नहीं समझा? तो ऐसे ही लेंथ, एरिया, इसका प्रेशर, इसमें कितना वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का, इसका जो टाइम एक अलग फैक्टर है, ठीक है? तो इस तरीके से सारे क्वांटिटेटिव नेचर्स होते हैं हमारे सारे चीज के। क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव नेचर्स, यानी कि किसी भी दुनिया में प्रॉपर्टी के उनकी खुद की एक क्वांटिटेटिव नेचर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करने के तरीके होते हैं, लाइक लेंथ, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम, ये सब। आप इन सारे टॉपिक को फंडामेंटल प्रॉपर्टीज फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ोगे, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान देना है, तो इस चीज को समझ के रखना गाइज। मैं आपको बता दूं कि ये मेजर्ड बाय नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स इन विच इट इज मेजर्ड। ये जो सारे के सारे यूनिट्स हमारे लेंथ है, हमारे एरिया है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टाइम है, ये सब जो होता है ना, ये कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के थ्रू इसको आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, लाइक एग्जांपल के लिए लेंथ तो 15 सेंटीमीटर है, तो ये एक यूनिट होगा 15 सेंटीमीटर का आपने मेजरमेंट किया। वॉल्यूम कितना है? हाँ, इतने डीएम क्यूब या इतने केजी मीटर पर क्यूब हो सकता है। ऐसे ही अगर आपने डेंसिटी या कुछ भी समथिंग, जैसे कि वॉल्यूम, प्रेशर, कुछ भी, इनकी यूनिट्स होती है प्रॉपर मेजर करने के लिए। तो ये सारे के सारे फॉलोअप्ड बाय यूनिट्स, मतलब लेंथ की एक यूनिट मीटर, किलोमीटर, ऐसे वॉल्यूम की डीएम क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर, ऐसे ही सबकी बताऊंगा अभी। तो सभी की यूनिट्स में हम लोग मेजर करते हैं, मतलब यूनिट्स के थ्रू सबका मेजरमेंट होता है।
है ना। तो चाहे लेंथ हो चाहे कुछ भी हो, सबकी एक प्रॉपर यूनिट्स के थ्रू हम लोग उसकी मेजरमेंट करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी हो चाहे। तो एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? तो यूनिट इट इज द आर्बिट्ररली डिसाइडेड। आर्बिट्ररली का मतलब होता है जस्ट डिसाइड किया है, एक ऐसे ही चलो डिसाइड कर लिया, मतलब समझो हमने बोला कि लेंथ किस में मेजर करें, लेंथ किस में मेजर करें, तो हमने कर लिया कि चलो लेंथ को मीटर में किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो इसे कहते हैं आर्बिट्ररली डिसाइडेड, मतलब जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी हो और उसको रैंडमली हमने डिफाइन कर दिया हो या डिसाइड कर लिया हो। रैंडमली मीन्स चलो मेरा नाम प्रशांत है, तो अब किसी ने सोचा थोड़ी था कि मेरा नाम प्रशांत है, तो मेरा नाम आर्बिट्ररली प्रशांत नाम रख दिया, समझा, रैंडमली। मेरा और कुछ भी नाम हो सकता था, ठीक है, मेरा भगवान नाम भी हो सकता था अपोनिज भगवान है, तो कुछ भी नाम हो सकता था, लेकिन मेरा नाम प्रशांत रखा, तो आर्बिट्ररली डिसाइडेड, अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है तो दिस इज द यूनिट, ठीक है। तो द आर्बिट्ररली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना। तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं, लेंथ को किलोमीटर या मीटर में ही नापेंगे, वॉल्यूम को डीएम क्यूब, लीटर या फिर मीटर क्यूब, ये बहुत सारी यूनिट्स होती इसमें ही मेजर करेंगे। फिर हमारे पास प्रेशर है तो उसको बार या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या पास्कल, ये बहुत सारी यूनिट होती हैं, इसी में मेजर करेंगे। तो दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये फिक्स्ड है यूनिट्स, मतलब साइंटिस्ट अफ्रीका में बैठा बंदा भी लेंथ को किलोमीटर में ही मेजर करेगा, मैं भी किलोमीटर में ही मेजर करूंगा, सब। तो दिस इज द यूनिट जिसको हम लोग इन सारी क्वांटिटेटिव नेचर्स को मेजर करते हैं इन यूनिट्स में। अगर सोचो यूनिट्स नहीं होती तो हम क्या कहते कि हाँ वो राम नाम का आदमी दो गया, आप बोलोगे क्या दो गया, आप बोलोगे दो गया आप, अगर अगर ये यूनिट्स नहीं होती तो कितना प्रॉब्लम होता ना। तो फिर यूनिट्स है, हाँ वो राम नाम का आदमी दो किलोमीटर गया, समझा ना, किलोमीटर। तो दैट वन इज द यूनिट्स जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, आप समझ में आया, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। चलो अब यूनिट्स की बात करते हैं, कितने टाइप के यूनिट होते हैं दुनिया में। अब अलग अलग देश वाले अपना अपना यूनिट बनाते हैं। तो CGS एक यूनिट है जिसमें हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के फॉर्म में इसका मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ को हम लोग किसी भी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, ये सब लेंथ को मेजर करने के यूनिट से, छोटे बड़े यूनिट्स। तो जो CGS है इसमें हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में ही मेजर करेंगे, ग्राम को जो मतलब वजन है उसको ग्राम में ही, और टाइम को सेकंड में ही मेजर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि CGS एक ऐसा टाइप ही यूनिट, मतलब किसी भी चीज को मेजर करने का, किसी भी क्वांटिटेटिव नेचर या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को मेजर करने का, जिसमें हम लोग सेंटीमीटर में ही लेंथ को मेजर करेंगे, वेट को ग्राम में ही करेंगे, टाइम को सेकंड में ही मेजर करेंगे, अगर CGS को फॉलो करते हैं तो। फिर FPS आता है, तो लेंथ को इसमें फुट में ही मेजर करेंगे और वजन को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। अगर MKS के थ्रू मेजर करते हो तो हमारा लेंथ को मीटर में और किलोग्राम में और सेकंड में ही मेजर करेंगे, इस बात को आपको ध्यान देना है। और एक आती है SI यूनिट्स जो यहाँ पे नहीं दी हुई है, इसे कहते हैं सिस्टम स्टैंडर्ड या फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इसका SI का मतलब है सिस्टम स्टैंडर्ड या फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट इसको कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, जो SI यूनिट है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ये CGS, FPS, MKS, आप अगर इंग्लैंड में जाओगे ना, लंदन में, तो वहां पे आपको वजन पाउंड में मेजर होता है, पाउंड में, पाउंड, बट अपने इंडिया में किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो ये जो CGS है, CGS, FPS, MKS, ये फिक्स नहीं होते, ये अलग अलग कंट्री में कहीं भी मेजर होते हैं। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर हम साइंटिस्टों में बात की जाएगी कि अगर मान लो कोई एलिमेंट सोडियम है, दूसरे साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं और वो किसी इंग्लैंड का है, हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, वो पाउंड में करते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो हमने क्या किया, फिर SI यूनिट से एक इंटरनेशनली यूनिट बना दिया कि इसी यूनिट में पूरे दुनिया के सारे लोग मेजरमेंट करेंगे। तो SI यूनिट दुनिया में एक्सेप्टेड है। SI यूनिट के कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए जिसमें लेंथ को, वॉल्यूम को इन फिक्स अमाउंट में उनके सिंबल भी फिक्स कर दिया और उनके यूनिट्स भी फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर तुमको यहाँ पे जरा देख लो अच्छे से, अगर आपको लेंथ को मेजर करना है तो SI यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जैसे IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम होता है वैसे ही। तो लेंथ की अगर बात करूं तो लेंथ की हमारी जो यहाँ पे सिंबल है वो L है, स्मॉल L, और इसकी यूनिट हमारी मीटर होगी और मीटर का जो सिंबल होगा वो स्मॉल m होगा। ये फिक्स है पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका में पढ़ने जाओगे तो भी लेंथ को वहाँ पे L से ही दिखाएंगे और उसकी यूनिट जो मीटर वो फिक्स है और उसको स्मॉल m से ही दिखाया जाएगा। ऐसे ही मास को स्मॉल m से दिखाएंगे और वो किलोग्राम उसकी यूनिट होगी और उसको kg से रेफर करेंगे। SI यूनिट किलोग्राम होती है मास की।
टाइम को स्मॉल टी से और यूनिट उसकी सेकेंड होगी। इलेक्ट्रिक करंट को आई से उसकी यूनिट एम्पियर होगी। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को टी से उसकी टेम्परेचर यूनिट केल्विन होगी और उसे के से दिखाएंगे। ऐसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमेशा एन से, दैट इज कि इसमें अगर मान लो ये पेन है तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है तो इसे हम लोग कहेंगे एन से दिखाएंगे और इसकी यूनिट होगी मोल और इसको लिखेंगे सिंबल MOL। याद रहे MOLE मोल है इसका नाम, जैसे मीटर का नाम मीटर है और सिंबल M यूज करते हैं वैसे ही मोल का नाम मोल है बट सिंबल ओनली MOL मोल मोल नॉट ई। ई मत लगा देना पीछे से ई मत लगा देना मोल, ठीक है ध्यान रखो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये आईवी और ये कंडेला इसे कहते हैं और इसको सीडी से दिखाते हैं। ये सब ध्यान में रखना अच्छे से कि सभी की यूनिट्स कैसी होती है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि हमारे लेंथ की यूनिट क्या है, हमारे किसी और चीजों की यूनिट क्या होती है, तो सब आपको ये याद होना चाहिए। इस बात को आपको फोकस करना पड़ेगा। तो लेंथ कितनी यूनिट वाला होता है, फिर मतलब उसकी यूनिट उसके सिंबल क्या है, फिर वॉल्यूम की सिंबल क्या है, फिर टाइम है, लेंथ है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब किसकी अपनी अपनी यूनिट्स एंड उसकी मास क्या होती है। ऐसे सभी के डिसाइडेड है, बट अगर आप इतने याद कर लेते हो तो इतने में काम आपका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। अब देखो हमने डिटेल में सारी चीजें समझी बट अभी के लिए फिलहाल हम फिजिकल प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्वांटिटीज को मेजर कैसे करते हैं, तो हम सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है मास एंड वेट। तो ठीक है, व्हाट इज मास, अब स्टार्ट करते हैं ना पढ़ना। तो यस, चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन साइंस 1 क्लास 10th पढ़ा था। व्हाट इज मास एंड वेट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? व्हाट इज मास, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दिस पेंसिल इज नथिंग बट मास। समझा क्या? व्हाट इज मास, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज नथिंग बट मास। तो इस पेंसिल है, ये सब्सटेंस है, इसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है यानी इसके कितने मॉलिक्यूल, 100 है, 200 है, 400 है, वो जो भी नंबर आएगा ना तो उसका मैटर कितना है, कितना मैटर है, उसका मास होता है ना, वही मास है हमारा, मतलब इस सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वही मास है, ठीक है, जो मैटर कभी बदलता नहीं है, इसीलिए मास हमेशा कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि मास मैट। देखो आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, मेरी ये बॉडी है, मेरी बॉडी किससे बनी है, मेरी बॉडी सेल से बनी है, मेरी बॉडी बोन से बनी है, मेरी बॉडी यहाँ पे बहुत सारे अलग ब्लड है, लिक्विड मटेरियल है, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, इन सबसे मेरी बॉडी बनी है। तो ये जो जितना भी अभी मैंने नाम लिया ना, सेल, टिश्यूज, ये सब कुछ, ये सब हमारे क्या हो गए, ये हमारे मैटर हैं और ये कभी नहीं बदलते। मैं मून में जाऊंगा तो ये बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। मैं अर्थ में हूं तो क्या ये उतने ही रहेंगे ना, 100,000 crore जितने भी थे उतने ही रहेंगे ना, ठीक है। तो वो जो अंदर जिससे मैं बना हुआ मेरा मैटर है, समझा, और मेरा जो वजन है इस अर्थ में, तो वजन किसके ऊपर डिपेंड होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ऊपर। हमने देखा था कि डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा mg होता है, जिसमें से जो हमारा W इज इक्वल टू mg में से जो m है वो हमारा मास था और g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन था। तो g के ऊपर डिपेंड करता है हमारा वेट। तो हमारा वेट हर प्लैनेट में बदल जाता है बट हमारा मास नहीं बदलता क्योंकि हमारे बॉडी का जो मैटर है वो कहीं भी रहे वो उतना ही रहता है। तो मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दी बॉडी। तो मास सीधा रिलेटेड है मैटर से और वजन, वेट, वेट हमारे बॉडी से और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यानी कि हर जगह का अपना अपना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस बात को आप सबको यहाँ पे समझ के रखना है। तो मास जो होता है, मास क्या है हमारा, ऑलवेज कॉन्स्टेंट, नॉट चेंजिएबल, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दी बॉडी, और इसका यूनिट होता है, यूनिट बताना है मुझे, इंपॉर्टेंट यूनिट याद रखो, 1 kilogram इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 10^3 ग्राम भी आप इसे लिख सकते हो, 10^3 का मतलब 1000 ही होता है। तो याद करते चलो, आपको लगता होगा चैप्टर बहुत आसान है, जब लास्ट में पहुंचोगे ना चैप्टर के और सेकंड चैप्टर, तो यही नहीं आएगा ना, जब आपको एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे सेकंड और थर्ड चैप्टर के, तब आपको समझेगा। वेट की बात करते हैं, वेट चेंजेबल होता है क्योंकि ये डिपेंड होता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के ऊपर या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर, W इक्वल टू mg जिसे फॉर्मूला जिसका। अब बात करेंगे लेंथ की, तो लेंथ हमें पता है कि हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लेंथ का एक यूनिट है जिसका इस्तेमाल करते हैं। और आपको केमिस्ट्री में अगर बात करूं तो केमिस्ट्री में लेंथ का इस्तेमाल कहां होता है, तो केमिस्ट्री में लेंथ का इस्तेमाल होता है एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए, बॉन्ड दो, जैसे कि हमारा अभी कार्बन है और कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो ये बॉन्ड का लेंथ कितना है, तो बॉन्ड लेंथ को पता करने के लिए, वेव लेंथ, हमारी जो वेव लेंथ होती है तो वेव लेंथ को पता करने के लिए, है ना। तो ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री में लेंथ का ऐसा इस्तेमाल होता है, या किलोमीटर मीटर डिस्टेंस ऐसे नहीं,
छोटे छोटे जैसे एटॉमिक रेडियस है, बॉन्ड लेंथ है, ये सब मेजर करने के लिए हमारा यहाँ पे डिस्टेंस मेजर होता है। रिलेशन की बात करूं तो आपको पता है ना, हमने चैप्टर नंबर 2 में साइंस 1 क्लास 10th में पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस को हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे यूनिट को नैनोमीटर में मेजर करते हैं। तो ये सब हमारे यूनिट ही हो गए ना लेंथ के। तो रिलेशन है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर, या फिर 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर। तो ये सारी हमारे रिलेशंस होती है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास ये एक मैंने ऐसे बनाया कुछ चुल्लू, इसे चुल्लू, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते हैं ना, वो कहते हैं ना चुल्लू ठीक है। तो जो ये चुल्लू है, इस चुल्लू में कितना खाली जगह अवेलेबल है, ये जो चुल्लू है, चुल्लू चुल्लू, इस चुल्लू में कितना खाली जगह अवेलेबल है बताओ, इसमें कितना खाली जगह अवेलेबल है। तो द अमाउंट और द स्पेस प्रेजेंट टू फिल द सब्सटेंसेस, या फिर द अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल टू फिल द सब्सटेंस। तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अवेलेबल है, कितना स्पेस अवेलेबल है कि जिसके मैं सब्सटेंस को फिल कर सकूं, कितनी खाली जगह इसमें प्रेजेंट है, वही है वॉल्यूम। यानी कि अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। थ्री डायमेंशनल यानी कि पानी या पेंसिल या मेरी बॉडी, सब हम थ्री डायमेंशनल ही है, समझा। तो हम सब ऑब्जेक्ट कितने स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वो हमारा वॉल्यूम है। जैसे एक ग्लास में तुम कितना पानी भर सकते हो, तो उस पानी ने जितना अमाउंट को ऑक्यूपाई कर लिया, वो उसका वॉल्यूम है, समझा। अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान रखना, मतलब अगर ग्लास में आपने पानी भर दिया तो उस पानी ने कितना स्पेस ग्लास का ले लिया, है ना। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ग्लास है वो खाली है, तो उसका वॉल्यूम कितना है, तो उसका वॉल्यूम उतना होगा जितना कि वो खाली है, समझा। इतना आसान है, जितना वो ग्लास है, जितना वो खाली होगा उतना उसका वॉल्यूम है। तो कितना स्पेस अवेलेबल है किसी चीज को डालने के लिए, वो उसका वॉल्यूम हो गया ग्लास का। अगर आपने बोल दिया कि मैंने, अब दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन खत्म ये स्पेस वाला, दूसरा कंडीशन, अगर मैंने ग्लास में कुछ पानी डाल के रखा है और मैंने बोला कि वो पानी का वॉल्यूम कितना है, तो कितना होगा, जितना कि वो वॉल्यूम, जितना कि वो पानी स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा। उस ग्लास में आपने पानी डाला तो जितना वो पानी ने स्पेस को ऑक्यूपाई किया होगा ग्लास के अंदर, उसका उतना वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब है कि देखो अगर एक खाली जगह है हमारे पास, ये ग्लास है, तो ये ग्लास का वॉल्यूम कितना है, ग्लास का वॉल्यूम पूछ रहा हूं, तो जितना इसके ऊपर पानी डाल सकते हो उसका उतना वॉल्यूम होगा। दूसरी कंडीशन, अगर एक ग्लास पहले से ही है और उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि पानी का वॉल्यूम बताओ आप, तो इस पानी ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, तो इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, तो इसका वॉल्यूम इतना होगा, समझा। तो ग्लास का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है क्योंकि पूरा खाली जगह अवेलेबल है, और ग्लास के अंदर जो पानी भरा है, अगर पानी की बात करूं तो उस पानी ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया ग्लास के अंदर, तो वो उसका वॉल्यूम हो गया। यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, वही होता है हमारा वॉल्यूम। तो ये हमारा किसी शेप के ऊपर डिपेंड नहीं होता कि किसका कितना शेप है, चाहे वो चुल्लू बना लो, ग्लास बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी यूनिट होती है लीटर, जो कि एक फिक्स यूनिट है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो जो लीटर है यहाँ पे, ये कॉमन यूनिट होती है गैस और लिक्विड में। आपने सुना होगा ना, 2 लीटर दूध लेके आ जाओ, है ना, 2 लीटर ऑयल लेके आ जाओ, तो और गैस में भी ऐसे ही। तो गैस और लिक्विड की जो यूनिट है वो लीटर होती है, और वो दोनों सेम यूनिट है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो लीटर एक ऐसी यूनिट है जो सेम होती है सभी चीज़ों की, इसको समझ के रखना। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा रिलेशन की, इस रिलेशन को आपको याद कर लेना है चाहे जो भी हो जाए। अगर ये रिलेशन याद नहीं होगा तो पूरी केमिस्ट्री में आपको घाटा हो जाएगा पूरा, आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आगे का चैप्टर नंबर 10 स्टेट्स ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, ये सब आप नहीं पढ़ पाओगे फिर। तो वॉल्यूम की बात करूं तो 1 लीटर में 1 dm³ होता है। 1 dm³ का मतलब क्या है, डेसीमीटर क्यूब, डी मीन्स डेसीमीटर। तो ये जैसे कि आपको पता है ना, वही बता रहा हूं, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो मीटर और किलोमीटर का रिलेशन हो गया ना, तो वैसे ही 1 लीटर का dm³, फिर ml यानी कि मिलीलीटर, फिर सेंटीमीटर क्यूब, फिर यहाँ पे ये सब ऐसे। तो रिलेशन है कि 1 लीटर मतलब क्या होता है, तो 1 लीटर मतलब 1 dm³ होता है, और 1 dm³ मतलब 1000 मिलीलीटर होता है, ऐसे 1000 सेंटीमीटर। तो याद रहे कि 1000 ml और सेंटीमीटर एक ही बात होती है, यानी कि अगर मैं ऐसा लिख दूँ 1 ml इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर क्यूब, तो आप लिख सकते हो कि 1 cm³ होता है। तो ये भी एक रिलेशन बन गया, यहां से आपको मिल गया, है ना। अगर मैंने आपसे बोला कि 1 लीटर मतलब कितना, तो आप लिख सकते हो कि 1 लीटर मतलब 1 dm³, समझा। मतलब dm³ और लीटर में कोई फर्क नहीं होता,
लीटर में और डीएम क्यूब में कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही एमएल में और सीएम में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर आपसे बोला 1 लीटर और एमएल का बताओ, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर, समझा इस बात को, 1000 मिलीलीटर। और अगर डीएम क्यूब की बात करूं तो 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रहे अच्छे से, यानी कि एमएल और सीएम क्यूब एक हो गए जो दोनों इक्वल हैं, और लीटर और डीएम एक हो गए, और डीएम या लीटर का एमएल या फिर सेंटीमीटर से रिलेशन लगाओगे जो 1000 से मल्टीप्लाई करने का, ये समझा। इतना आसान है, ये तो बस मैथ्स है। अगर लेकिन ये तो नॉर्मल यूनिट हो गई ये वाली, अब हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं। तो हमारे वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट है वो मीटर क्यूब होती है, मीटर क्यूब याद रहे अच्छे से, कितनी यूनिट होती है, मीटर क्यूब यूनिट होती है। इस बात को आपको समझ के रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। नाउ वेरियस ग्लासेस वेयर ऑब्जर्व, अब आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान दो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताने जा रहा हूँ आपको। वॉल्यूम का यूनिट तो समझा ना कि कैसा यहाँ पे रिलेशन है, बस ये याद करने वाली बात है, इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये आपको याद करना है यूनिट्स को, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होती है। अब जब आप केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में बैठोगे, कोरोना वायरस फैला है, अगर लेबोरेटरी ऑन होती है तो अच्छी बात है, कॉलेज अगर आपका चलता है तो आप मजे करोगे। तो यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना, अगर लेबोरेटरी ओपन होती है और आप लोग अगर वहाँ पे करने जाते हो प्रैक्टिकल, तो आपको ये सब वहाँ पे देखने मिलेंगे जितने भी यहाँ पे मैंने बना रखे हैं। जैसे कि हमारा पहला है यहाँ पे ग्रेजुएटेड सिलेंडर, दूसरा है पिपेट, ये है ब्यूरेट, ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मैंने 15 अब तोड़े थे, फिर मुझे 3000 फाइन भरना पड़ा था, क्योंकि एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क फ्लास्क पूरे के पूरे 200 रुपये का आता है, तो फिर सोच लो ऐसे मुझे बहुत सारे पैसे भरने पड़ गए थे फिर, ठीक है। अब स्कूल तो स्कूल, कॉलेज तो कॉलेज में बहुत मस्ती करता था, तो इसको हमने तोड़ डाले थे। फिर ऐसे ही पिपेट, ब्यूरेट और ग्रेजुएटेड सिलेंडर सब तोड़ दिए थे हमने, ये सब आपके कॉलेज में अवेलेबल होता है। तो जैसे कि मैंने अभी बोला ना कि वॉल्यूम को मेजर करने के लिए मीटर क्यूब, लीटर क्यूब ये यूनिट होती है, बट डिवाइसेस कौन सा इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए केमिस्ट्री में, तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर का मेजर करते हैं कभी कभी वॉल्यूम को एमएल में मेजर करने के लिए, पिपेट का भी इस्तेमाल करते हैं, ब्यूरेट का भी इस्तेमाल करते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के ऊपर से ढक्कन, वो जीनी और जूजू आपने देखा होगा, नहीं क्या, जीनी ऊपर से वो जीन निकलता है, हो हा बोलो मेरे आका, तो वैसे ही इसका ढक्कन होता है, इसका ऊपर से निकालोगे तो अंदर ऐसे ही रहता है सेम। ये और अच्छे से आप समझोगे जब आप प्रैक्टिकली इन्हें देखोगे। तो ये ग्लासेस के सब्सटेंस हैं, बस डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल होता है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं डेंसिटी की तरफ, क्या होता है कि डेंसिटी क्या होती है एग्जैक्टली। तो भाई ये डेंसिटी क्या है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या है कि देखो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंसेस। जैसे कि अगर वाटर है तो वाटर ने ग्लास के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, हमारा खाली ग्लास थी तो उस खाली ग्लास में पानी डाला तो पानी ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया ग्लास के अंदर का, तो वो हमारे पानी का वॉल्यूम है। बट ग्लास का वॉल्यूम क्या कहलाएगा कि ग्लास के अंदर कितनी खाली जगह है। अब एक ग्लास है खाली तो उसके अंदर कितनी खाली जगह है वो ग्लास का वॉल्यूम हो गया, पानी डाला तो पानी ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया वो पानी का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये बात तो वॉल्यूम की हो गई, बट व्हाट अबाउट डेंसिटी। मान लो आप एक मेले में जाते हो, तो मेले में खाली जगह बहुत होती है, फिर अचानक से भीड़ आ जाती है, भीड़ एक मेले का ये एरिया है, अभी खाली है तो इसका वॉल्यूम जो भी है, अब वॉल्यूम जो भी रहेगा मैं नापने थोड़ी गया हूँ, फिर यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक आ गई, ये बहुत सारे पब्लिक आ गई तो ये पूरा भर गया ना पूरा अच्छे से। तो अब बताओ जब कोई नहीं था तो इस वॉल्यूम में, इस जगह में डेंसिटी कम थी या ज़्यादा थी, ऑब्वियसली डेंसिटी कम थी। जब बहुत सारे लोग आ गए तो डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में, गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितने सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, कितना मास प्रेजेंट है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मेरा भी मास होगा, कोई लोग जाएंगे मेले में सबका मास होगा, ये पेन का मास होगा, है ना। तो गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाइड है, तो अगर हम छोटे मॉलिक्यूल की बात करें तो अगर हमारे पास इस तरीके से ग्लास है और ग्लास के अंदर हमने पानी भर दिया, तो पानी के भी H2O के मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो ये ग्लास में कितना वॉल्यूम अवेलेबल था और इस अवेलेबल वॉल्यूम में जो H2O के मॉलिक्यूल है वो कितने मॉलिक्यूल है। तो मास ऑफ दीज H2O मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट ऑफ वॉल्यूम में कितना H2O अवेलेबल है। तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास की यूनिट अभी अभी SI बताया ना, kg होती है, और वॉल्यूम की SI मीटर क्यूब है। तो kg मीटर क्यूब ये हमारी वॉल्यूम हो गई किसकी, डेंसिटी की।
यूनिट हो गई, तो केजी मीटर क्यूब डेंसिटी की यूनिट है, इस बात को ध्यान रखना। चलो सीजीएस में वही आपको पता ना, सीजीएस में जो मास होता है वो ग्राम में मेजर करते हैं और जो यूनिट है वो मिलीलीटर होती है सीजीएस में, सीजीएस में तो ये ग्राम पर एमएल लीटर भी आप कह सकते हो और केजी मीटर क्यूब को ग्राम, यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी कह सकते हो। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर यहाँ पे क्यों मेजर करते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली द टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना कोई कोल्ड है, वही हमारा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को तीन कॉमन स्केल से आप मेजर कर सकते हो। पहला है आपका यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, दूसरा है आपका डिग्री फारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। आपकी बुक में भी सेम चीजें लिखी हैं, तो आप इन तीनों को ध्यान रखना। जिसमें से हमारी जो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। हम पूरे चैप्टर में केल्विन या पूरे केमिस्ट्री में केल्विन के थ्रू ही किसी भी यूनिट को मेजर करेंगे। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। केल्विन इज द ऐसा यूनिट विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बट स्टिल अभी भी इंडिया में केल्विन डिग्री सेल्सियस ज्यादा इस्तेमाल होता है। चलो रिलेशन देख लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे कि अगर डिग्री फारेनहाइट है या डिग्री सेल्सियस है या डिग्री केल्विन है, तो इनको आप कैसे, इनका रिलेशन है। जैसे कि अगर आपको मैंने बोल दिया 35 डिग्री सेल्सियस है, तो 35 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने केल्विन, या मैंने बोल दिया कि चलो 40 डिग्री फारेनहाइट है, डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस कितने, अगर मान लो 40 डिग्री फारेनहाइट मैंने बोल दिया तो बताओ कि कितना केल्विन हो गया। तो ये रिलेशन कैसे निकालोगे, तो रिलेशन है, पहला रिलेशन बताता हूँ। पहला रिलेशन डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में है। अगर मैंने आपसे कह दिया कि चलो मुझे बताओ कि 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितने डिग्री फारेनहाइट हो गया, तो आप फटाफट निकालोगे डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू ये रिलेशन लगा के 9/5, और मैंने 20 बोला था, 20+32 तो यहाँ पे 5 से 20 कटेगा 4 और 9 चौको 36 +32 30 60 68, यानी 68 डिग्री फारेनहाइट आएगा। यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब 68 डिग्री फारेनहाइट होता है, समझा? इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। तो ये डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है। ऐसे ही केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है। अगर मैंने आपसे कह दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितने केल्विन, तो आप यहाँ पे फटाफट केल्विन इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 ऐड कर दो फटाफट, तो ये बन जाएगा 293.15 इतने केल्विन। अगर मैंने आपसे कह दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने केल्विन, तो केल्विन इज इक्वल टू 0 प्लस 273.15 इज इक्वल टू 273.15, दिस इज द केल्विन। समझा अच्छे से? तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273.15 केल्विन होता है। यूज दिस फॉर्मूला फॉर काउंटिंग, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये दोनों रिलेशन है, डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का, केल्विन का और डिग्री सेल्सियस का। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि डिग्री फारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन कैसे निकालोगे, ठीक है, मतलब डिग्री फारेनहाइट और डिग्री केल्विन का कैसे निकालोगे, तो पहले तो डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो और देन सेल्सियस से केल्विन में आ जाओ। समझा अच्छे से? जैसे कि मैंने कह दिया कि आपके सामने मान लो 20 डिग्री फारेनहाइट है और आपको मेजर करना है कि कितने केल्विन होता है, इसमें कितने केल्विन होते हैं, तो आप पहले 20 डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जांपल जैसे कि 20 इज इक्वल टू 9/5 और ये डिग्री सेल्सियस प्लस 32 है ना, तो इस 5 को इधर लेके आओ, तो 20 × 5 कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, और इज इक्वल टू 9+32, फिर 100 - 32 करो और इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे 9। इस तरीके से आपको समझ कर लेना 9C। अब 100 में से 32 माइनस करोगे तो जितना एक अमाउंट आएगा यहाँ से आपको C मिल जाएगा, डिग्री सेल्सियस मिल जाएगी, और यही डिग्री सेल्सियस को यहाँ पुट कर दोगे और आपको केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया क्या? इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो ये था गाइज हमारा कंप्लीट इस तरीके से यहाँ तक का पूरा चैप्टर। और आप बोलोगे कि आगे का टॉपिक क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि ये है अगला टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक अलग से मस्त मजेदार झकास एकदम मक्खन वाला वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि हम ये चीज को समझेंगे। एंड यू ऑल विल नॉट बिलीव गाइस, मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत सारे बच्चे मेरे से 10th में पढ़ चुके हैं, तो मैंने सबको कहा था कि आपका जो 9th है ना वो पूरा 11th और 12th संभालेगा। 10th डिफरेंट है, देखो 10th का पूरा चैप्टर 12th में रहेंगे और 9th के पूरे चैप्टर 11th में रहेंगे, समझ लेना। तो 9th का जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, 9th का साइंस चैप्टर नंबर 3 या 4 जाके पढ़ लेना एक बार, वहां पे आपको ये सब मिलेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसैक लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, सारे लॉज आपको साइंस में आपको क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 और 5 समथिंग में मिलेंगे।
गारंटेड। तो ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, जो कि डिटेल्ड स्टडी इसकी हम करने वाले हैं, एक एक चीजों का मतलब बताऊंगा और रियल केमिस्ट्री यहां से शुरू होगी। इसके पहले तो बस अभी बेसिक यूनिट्स, लेंथ, दुनियादारी सब यही सीख रहे थे, ये सबसे बेसिक था, हालांकि वो आना चाहिए था। अगर आपको वो नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे आगे का। तो अब आपको समझना है कि कल से हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से रियल केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, जहां से थोड़ा थोड़ा हम एक दो कदम आगे बढ़ेंगे, अभी तो बेसिक चल रहा था, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसी अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अभी गाइस आपको समझ के रखना है कि आपको कमेंट बॉक्स में सब चीजें बता देनी है कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा है आपको बता देना है, लाइक कर देना है, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। और अगर आप चाहो तो मुझे आप यहां पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू।